मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अंबेडकर पाड़ा में फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई कर करीब 70 से 80 घरों को तोड़ दिया था, मगर अब इस कार्रवाई के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गाय समुद्रे आज सभी झोपड़ावासियों के साथ में आंदोलन करने वाले थे, मगर पुलिस ने इन्हें आंदोलन करने से अभी रोक दिया है। पुलिस ने कहा है कि आप इस पूरे मामले की बातचीत से हल निकालने की कोशिश करें, इसलिए इन्होंने आंदोलन जो है वो आगे के लिए टाल दिया है। गाय समुद्रे का कहना है कि यहाँ कई सालों से लोग झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे हैं, इनको रहने दिया जाए। जिनके घर तोड़े गए हैं उनके बिजली मीटर टैक्स पावती अगर थे तो उन्हें फिर से यहाँ पर घर बनाने दिया जाए ताकि लोग यहाँ पर रह सकें, ऐसी मांग इनके तरफ से की जा रही है। गाय समुद्रे का कहना है कि उन्होंने लेटर देकर वन विभाग से भी मांग की है कि यहाँ जो झोपड़ियाँ तोड़ी गई हैं उन्हें बनाकर फिर से रहने दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? मेरा नरसिंह दत्तू गाय समुद्रे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर अम्बेडकर पाड़ा और जुबली पार्क के लगकर जो इलाका था, कार्रवाई की गई थी फॉरेस्ट विभाग की तरफ से। अभी आप लोगों ने कुछ लेटर वगैरह फॉरेस्ट विभाग को दिया है, क्या मांगने की उसमें और उन्होंने क्या कहा है? हमने इसमें मांगने ऐसी की है कि हमको जुबली पार्क, बाबा साहब अम्बेडकर पाड़ा, इस झोपड़पट्टी में कम से कम यहाँ पे 2000-2500 लोग रहते हैं, उस जगह में जो विदाउट नोटिस की जो कार्रवाई हो गई ये गलत हो गई है। हमारा कहना ये कि था कि अनधिकृत अगर कोई चीज़ ने किया था तो उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद कम से कम नहीं बोलेगा तो 125 घर हमारे यहाँ पे टूटे हैं, तो ये गलत हुआ है। क्योंकि जो जिसने अनधिकृत किया था या जिसने बेचा था या जिसने कुछ अनधिकृत करने के लिए मतलब ये किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसने बेचा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो सामान्य गरीब है जो जिसने बेचा उसका तो जाने दो, लेकिन बिना मतलब के लोगों का भी, हमारे जो पुराने लोग हैं 2016 में जो कार्रवाई हो गई थी उस टाइम हमने 1.5 साल लड़के जो ये झोपड़पट्टी बसाए थे उसके बाद में आज तक कोई भी कार्रवाई हमारे यहाँ हुई नहीं। और आज जो कार्रवाई हो गई बिना नोटिस की हुई, हमारा एक ही कहना था कि तुमने जो नोटिस देने के बाद में हमको सूचना देने थी कि भाई ये घर कौन से अनाधिकृत है कौन से अधिकृत है, अगर उनको हम लिस्ट देते कि भाई ये अधिकृत है अनाधिकृत है तो कार्रवाई करते, वही घर पे करते तो समझ में आता था, लेकिन उसमें हमारे बहुत जूने घर टूटे हैं, उसके लिए हमने वही अधिकारी से मांगनी की है। थाना जो वन विभाग अधिकारी उनसे हमारी यही चर्चा हो गई सबके हिसाब से कि हमारे जो लोग वहाँ पे रहते हमको बिना आपने पूछे कार्रवाई की, लेकिन हमको बिना नोटिस की कार्रवाई की। उनका कहना एक ही था कि उनके जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, आप पत्रकारों ने सबने पूछा था उनको कि भाई बिना नोटिस के आप कार्रवाई कर रहे, तो बोले नहीं 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 ये कार्रवाई हमने इस वजह से की कि यहाँ पे अनधिकृत हो गए। उनको क्या पता था अनधिकृत कौन से है अधिकृत कौन से है, वो बोले थे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को कि ऐसा कहना था कि ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, इस पर जो भी अतिक्रमण है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस देने की जरूरत नहीं। भाई मेरा कहने का मतलब ये कि वन विभाग अधिकारियों को 99% मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे ठाणे जिले के अंदर 99% अनधिकृत बांधकाम है, बिल्डिंग यहाँ पे 7-7 माले की बन रही है, 40 बन रही है, यहाँ तो ये दर रोज कमाते दो रोज खाते, यहाँ के एकदम सामान्य गरीब लोग है, उनके ऊपर ऐसा अन्य अत्याचार करने का ये ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने अधिकारी को तत्काल ये कर दिया कि साहब ये गलत है और तुम्हारे अधिकारी ने जिसने भी ये किया है उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि भाई जो भी चौकसी करके जो दोषी रहेगा मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, इन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया। मैंने बोला कि जैसा हमारा कंपाउंड था वो हमको वैसा का वैसा मार के दो, उसमें भी अग्री हो गए कि भाई वो कंपाउंड मार के देंगे, लेकिन इसके आगे कोई अनाधिकृत झोपड़ा बेचता है कोई भी तो उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको तड़ी पर ऐसे करेंगे, ऐसा आदि साहब ने बोला है। अच्छा, कोई भी करे। ये भी जानकारी सामने आ रही कि जो यहाँ बेचने का मामला सामने आया था 7-12 बताया जा रहा था, इसी वजह से शायद कार्रवाई हुई। हाँ ये 100% बोल सकता हूँ इसी के वजह से हो गई, कुछ लोगों ने बेचा है क्योंकि बेचने के थोड़े से पैसे के लालच के लिए इतने लोगों को आज तकलीफ हो गई। मतलब 10 रूम बेचे होंगे लेकिन ये 700-1000 लोगों को तकलीफ हो रही, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी उतनी जवाबदारी है कि ये जो बनता है तो उन्हीं को रोकने का, अगर नहीं रोक सकते तो मुझे बताने का रहता है या तो मैं पत्र व्यवहार करके मैं अधिकारी को बताऊंगा। पुलिस विभाग ने अभी क्या कहा है, जो कार्रवाई हो गई है उनके बारे में क्या है? जो कार्रवाई हो गई उनको एक ही बोला है हमने कि जो कार्रवाई हो गई हमारी लीगली झोपड़े थे वो हम बना के लेंगे, दूसरी बात हमने ये बोला कि बाहर हमारा कंपाउंड था
वो कंपाउंड हमको मार के दे, वनिभाग ने बोला कि वो कंपाउंड आपको मार के देंगे, उसके अंदर में हमको कोई संबंध नहीं, लेकिन बोले कोई भी अनधिकृत करता है या कोई बेचता है तो हमको उसकी तत्काल जानकारी दो।